ना मैं हूँ सुगंधी कुमार मिश्र राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ। डाक विभाग में काम करने वाले 83.50 एम्प्लॉय का नाम है भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी। आज चार चार यूनियन है डाक विभाग में, बाकी तीन यूनियन का कोई एक्टिविटी नहीं है। ग्रामीण डाक सेवक मेरे भाई बहनों, हमने विभाग को 1 जून 2020 नोटिस दिया था, मेरा एक ही डिमांड था, जीडीएस के लिए Rule 3A हटाओ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय घोषित करो, 8 घंटा ड्यूटी दो। गवर्नमेंट उसमें कोई हेल्दोल नहीं था। 5 अगस्त को डायरेक्टर निसार के नाम में 5 पेज का मुझे रिप्लाई आया है और रिप्लाई को हमने रिफ्यूज किया और भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ जो नोटिस दिया है वो कंटिन्यू रहेगा। हमने बोला क्या है मूवमेंट, 15 अगस्त आजादी का दिन आप नेशनल फ्लैग होस्टिंग कीजिए, शंख बजाइए, उसके बाद 1 घंटा भिक्षा मांगो अभियान होगा। भिक्षा कोई पैसा नहीं है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए हाथ में थाली लेके ये भिक्षा होगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर Rule 3A हटाओ, जीडीएस को गवर्नमेंट एम्प्लॉय घोषित करो, 8 घंटा ड्यूटी दे के भिक्षा मांग रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट डेली वेजेस 600 रुपया किया है, आज जीडीएस के लिए 4 घंटा 5 घंटा किया है, जो 10,000 12,000 14,500 क्यों? एक गवर्नमेंट दो कानून क्यों है? एक गवर्नमेंट दो बात क्यों कर रहा है? इसीलिए जीडीएस को मिनिमम वेजेस दे के गवर्नमेंट एम्प्लॉय घोषित करो। नंबर 2, आज तक जीडीएस जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, जीडीएस का डीए क्यों फ्रीज होगा, क्यों फ्रीज किया गया? आज डाक विभाग जिंदा है जीडीएस के काम के ऊपर। पोस्ट पेमेंट बैंक, आरपीएलआई, पीएलआई, सुकन्या समृद्धि योजना, माई स्टैम्प, एवरीथिंग जीडीएस कर रहा है। आज कोरोना में सारे दुनिया कांप रहा है, डाक विभाग के ऑफिसर टारगेट के नाम पर जीडीएस का ऊपर टॉर्चरिंग कर रहा है। हमने लिखा है डायरेक्टोरेट को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, ऑनरेबल संचार मंत्री को, और डायरेक्टर ऐसा जो रिप्लाई लिया दिया है ये फेक है, बायास है, उसमें मेरा यूनियन नाराज है। देश की नंबर 1 नॉन पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ, हम उनका सिपाही होने का नाते सेंट्रल गवर्नमेंट को एक चेतावनी देना चाहते हैं, डाक विभाग को ज्यादा रेवेन्यू देने वाला, डाक विभाग को बचाने वाला, डाक विभाग की एसेंशियल ऑर्गन बेसिक स्ट्रक्चर ग्रामीण डाक सेवक के जो डिमांड है, जो लेजिटिमेट डिमांड है, उसको फुलफिल कीजिए, नहीं तो गांव भारत जिस जीडीएस की हाथ में है, चिट्ठी बांटने के साथ साथ हम गवर्नमेंट की अन्याय की, गवर्नमेंट के अविचार की, गवर्नमेंट के शोषण के विरोध में एक एक देशवासियों को हम जानकारी देंगे। 15 अगस्त सारे डिविजनल सेक्रेटरी, सारे सर्कल सेक्रेटरी, सारे CHQ ऑफिस BRR को आदेश दिया जाता है, भिक्षा मांगो प्रोग्राम 100% आप सक्सेस कीजिएगा। और इसमें भी गवर्नमेंट कोई हेल्डोल नहीं दिखाएगा तो 14 सितंबर से सारे देश में लगातार हड़ताल होगा,
जब तक ये डिमांड फुलफिल नहीं होगा। रूल 3A हटाओ, विदेश को 8 घंटा ड्यूटी दे के गवर्नमेंट एम्प्लॉय घोषित करो, ओल्ड एज पेंशन दो विथ एडमिसेबल डीए, आज जो डीए फ्रीज किया है तुरंत 1/1/2020 से एरियर भुगतान करो, यही डिमांड है। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।